गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चों आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण कक्षा चौथी पाठ एक पुनरावृत्ति कार्य. ओके स्टूडेंट्स, हम पाठ एक का रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में. पाठ एक है हमारा बच्चों भाषा लिपि और व्याकरण. हमारे पाठ का नाम है भाषा लिपि और व्याकरण. आज हम जानेंगे भाषा लिपि और व्याकरण क्या है. रिदम, बहुत देर से खेल रहे हो, अब आकर अपना गृह कार्य पूरा कर लो, रिदम की माँ ने कहा. ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ. रिदम आया और हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठ गया. बच्चों आपने देखा, रिदम की माँ ने बोलकर रिदम से कुछ कहा और रिदम ने सुनकर उनकी बात का उत्तर बोलकर ही दिया और पढ़ने बैठ गया. ओके बच्चों, नमिता हॉस्टल में रहती है तथा अपनी माँ को पत्र लिखकर बताती है कि उसे इस बार ग्रीष्म अवकाश में विद्यालय के साथ पिकनिक पर जाना है, इसलिए कुछ रुपए भिजवा दे. नमिता जी के पिताजी यह पत्र पढ़कर उसकी माता जी को सुनाते हैं और नमिता को पिकनिक पर जाने के बारे में बताते हैं. देखा आपने, नमिता ने पत्र लिखकर अपने पिकनिक पर जाने के लिए बारे में बताया और उसके पिताजी पढ़कर सारी बात समझ जाते हैं. इस प्रकार हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों की बात को हम समझ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वही भाषा है. जब हम जिस माध्यम से हम दूसरों की, जिस साधन से हम दूसरों की बात समझते हैं या अपनी बात, जो भी हमारे मन में विचार होता है बच्चों, वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं जिस भी साधन, तो वह साधन जो है बच्चों क्या है, भाषा कहलाता है. अंत है वह साधन जिसके द्वारा हम एक दूसरे से विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाते हैं. हम अपनी बात दूसरों को, हमें कुछ भी बोलना है तो हम किस प्रकार से बोलते हैं, बोलकर. तो जो हमारे सामने वाले जिसको हम बोलते हैं वो सुनकर हम हमारी बातों को समझता है, या एक तो लिखित रूप में जो लिखा हुआ होता है न्यूज़पेपर में या कॉपी किताब में, कुछ भी है, आप किसी भी पुस्तक वगैरह में जो बातें लिखी हुई होती है उनकी बातों को, कोई भी पाठ है तो उनकी बातों को कैसे समझते हो, आप पढ़कर समझते हो. ओके स्टूडेंट्स, और जिन्होंने बुक लिखी है, जिन्होंने पुस्तक लिखी है, तो वो अपनी बात लिखकर समझाते हैं हमें. भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, पहला मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप. बच्चों भाषा हमारे कितने प्रकार की होती है, भाषा पूर्णतः दो प्रकार की होते हैं, एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप. मौखिक रूप अब क्या होता है बच्चों, जब हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों तक समझाते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो जब दूसरे लोग जब हम बात बोल रहे तो नॉर्मल सी बात है कि वो सुनकर ही समझेंगे. तो जब हम बोलकर समझाते हैं और समझने वाला सुनकर समझता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है. जैसे मौखिक रूप का एक उदाहरण अभी देखिए, मैं आप सभी को ये पाठ बोलकर समझा रही हूँ और आप सभी इस पाठ को सुनकर समझेंगे, तो ये भी क्या है, एक मौखिक रूप का एग्जाम्पल है. ओके, उदाहरण है, तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है. मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण देखिए. मोक्ष रेडियो पर गाना सुन रहा है. अब गाना जो सुना रहा है वो बोलकर सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है, सुनकर उस गाने को समझ रहा है. वंशिका दुकानदार से खिलौने देने के लिए कह रही है. अब वो कहेगी क्या, लिख कर देती है दुकान पर आप जाते हैं, तो नहीं ना, तो वो बोलकर दे रही है और वो कर रही है. ओके, फिर प्रधानाचार्य जी भाषण दे रहे हैं. अब भाषण दे रहे हैं और जो बच्चे हैं, पब्लिक है, वो सुनकर उस भाषण को समझ रही है. ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा जो रूप है भाषा का, पहली बात तो हम मौखिक रूप से अपनी बातों को समझा सकते हैं और दूसरा माध्यम है लिखित रूप में. हम अपनी भाषा को, हम अपने मन के विचारों को, भावों को हम दूसरों तक लिखित रूप में भी पहुंचा सकते हैं. जैसे जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या समझाते हैं दूसरों को, तथा दूसरे लोग जब उस बात को जब हम लिख रहे हैं तो वो सुनेंगे थोड़े ना, लिखित रूप कोई सुनाई थोड़ी ना देगा, तो लिखित भाषा को वो पढ़कर ही समझेंगे, तो वह उस भाषा को पढ़कर समझते हैं. तो जो लिखकर देना, लिखकर समझाना और पढ़कर समझना, ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है. ओके बच्चों, लिखित भाषा के कुछ उदाहरण है, देखिए. अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है. मोहित पत्र लिख रहा है. दादी माँ रामायण पढ़ रही है. ओके, अब अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है, वो पुस्तक में से पढ़ा रही है, तो किसी का पढ़ा हुआ समझ रही है, फिर बच्चों को समझा रही है, तो लिखित रूप ही है. फिर मोहित पत्र लिख रहा है, लिखना उसमें लिखित रूप ही, भाषा का लिखित रूप ही प्रयोग हो रहा है. दादी माँ रामायण पढ़ रही है. ओके, भाषाएं, संसार के सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है
वह पढ़ी व लिखी जाती है, जैसे रूस में रूसी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, जर्मन में जर्मनी में जर्मन तथा इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। ओके बच्चों, अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो किसको माना गया है बच्चों? अंग्रेजी को, क्योंकि यह लगभग पूरे विश्व में बोली जाती है व समझी जाती है। भारत एक जो है विशाल देश है, यहाँ 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सबकी अलग अलग भाषा तथा बोली है, जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी। तो इसी प्रकार से सबकी अपनी अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग देशों के अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग भाषा होती है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है। जो हमारा भारत देश है इसमें जो राष्ट्रभाषा माना गया है वो किसको माना गया? हिंदी। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे माना गया है? अंग्रेजी को। अंग्रेजी क्योंकि विश्व में ज्यादातर लगभग पूरे ही देश में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए जो अंग्रेजी इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। और जो आपका भारत में जो राष्ट्रीय भाषा है वो है आपकी हिंदी। ओके बच्चों, लेकिन यह हमारी राजभाषा है हिंदी। भाषा के सम्मान में हम प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, लिपि, किसी भी भाषा को लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार कुछ अन्य भाषाओं की अपनी लिपियां होती है। इस प्रकार देखिए दिया गया है आपको बच्चों, संस्कृत जो है भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी में, नेपाली देवनागरी में, फ्रेंच रोमन में, जर्मन रोमन में, अंग्रेजी रोमन में, पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी लिपि में, अरबी फारसी लिपि में। तो इस प्रकार के आपको कुछ भाषाएं दिए गए हैं जिनकी अपनी ये अलग अलग लिपियां होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, लिपियां होती क्या है? जब हम भाषा को लिखते समय जिन भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो उनका क्या होता है? लिपि। ओके बच्चों,